नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने कोटक सिक्योरिटी डीमैट अकाउंट के अंदर बायबैक के लिए अप्लाई करना है, कौन से सेक्शन में आपको जाना है। मैं बेसिकली आज वो वीडियो में आपको लाइव डेमो दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे चैनल पे दो ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है। अगर आपके पास अपस्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट है और जीरोधा के साथ डीमैट अकाउंट है तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं वहां पे कैसे अप्लाई करना है टीसीएस का बायबैक, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कोटक सिक्योरिटीज का डीमैट अकाउंट लॉगिन करना है। सेम प्रोसेस आपको ऐप में भी मिलेगा और सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे डैशबोर्ड जो कि पीसी के अंदर खुलेगा उसमें भी मिलेगा। अब आपके सामने काफी सारे ऑप्शन ऊपर आ जाएंगे, डैशबोर्ड, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, पोजीशन, फंड्स एंड मोर। आपको जाना है मोर सेक्शन में। मोर सेक्शन में आप देखिए कोर इन्वेस्टमेंट में आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे ऑप्शन मिलेगा, 6वें नंबर पे ऑफर टू बाय। तो यहाँ पे बायबैक के नाम से कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको ऑफर टू बाय का जो ऑप्शन मिलेगा वहां पे आपको बायबैक का मतलब है इसका। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे बायबैक नहीं लिखा, मैं आपको बता रहा हूँ ऑफर टू बाय पे आपको जाना है। अब एक अलग से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और अलग से जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से, और यहाँ पे जो बायबैक अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो जैसे कि यहाँ पे टीसीएस का बायबैक आपको शो कर रहा है, तो टीसीएस 9 मार्च को ये ओपन हुआ है, 23 मार्च को ये क्लोज हो जाएगा। कट ऑफ टाइम यहाँ पे दी गई है, फ्लोर प्राइस भी यहाँ पे दिया गया है, सब टाइप दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये बायबैक है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपको काफी सारी बायबैक से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको सारी मिल जाएगी। तो ये डिटेल्स अगर आप चाहते हो तो आप ये भी स्टडी कर सकते हो। आप वापस आएंगे हम, अब देखिए यहाँ पर गाइस मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि मैं टीसीएस के जो शेयर्स होल्ड करता था वो मैं अपने अपस्टॉक अकाउंट में होल्ड करता था। तो मैंने जो वीडियो बनाई थी अपस्टॉक अकाउंट में मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अब कोटक सिक्योरिटीज में बेसिकली मेरे को आपको एक पॉइंट दिखाना था कहाँ पर आके आपको बायबैक के लिए अप्लाई करना है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करूंगा तो ये मेरा ऑर्डर नहीं मानेंगे क्योंकि मैं कोई भी शेयर रिकॉर्ड डेट पे होल्ड नहीं करता। बट मैं आपको बता देता हूँ मेरे कुछ क्लाइंट थे जब उन्होंने मैं उनके साथ बैठा था, जब मैंने उनका प्रोसेस करवाया था कोटक सिक्योरिटीज में, तो वहां पे जैसे ही हमने ये वाला ऑप्शन क्लिक किया प्लेस ऑर्डर पे, तो प्लेस ऑर्डर पे एक यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। वहां पर आपको लिखना होता है जितने शेयर्स आप होल्ड करते हो, तो वो बोलते हैं कि आपको कितने का आप ऑफर डाल रहे हो, मतलब हमें बोलते हैं कि आपको कितने शेयर्स यहाँ पे डालने हैं। तो सपोज करिए हम 20 शेयर्स होल्ड करते हैं, हम 10 शेयर्स होल्ड करते हैं, तो हमको बायबैक के ऑफर क्वांटिटी में 10 या 20 जितने भी शेयर्स हम होल्ड करते हैं, अगर एक शेयर होल्ड करते हैं तो एक डालना है, और वो डालने के बाद हमें बस सबमिट करना होता है। और जिनके पास पीओए जिन्होंने साइन किया है उनके लिए तो सिंपल प्रोसेस है, सबमिट कर दिया ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जिनके पास पीओए साइन, जिन्होंने डीमैट अकाउंट के लिए पीओए पावर ऑफ अटॉर्नी साइन नहीं किया, उनको पहले टी पिन जनरेट करना होगा, टी पिन का पूरा प्रोसेस करना होगा, फिर आपका प्लेस ऑर्डर, जैसे प्लेस ऑर्डर के बाद टी पिन जनरेट करोगे, जैसे ही टी पिन जनरेट हो जाएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा आपको वापस आ जाना है कोटक की ऐप के अंदर और वेट करना है 2 अप्रैल की डेट को जब इसकी सेटलमेंट स्टार्ट होगी। तो आज की वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर टीसीएस बायबैक से रिलेटेड, कोटक सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या टीसीएस बायबैक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगी मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर दूंगा जिससे आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।